दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल तंदुरुस्त इंडिया पर। दोस्तों पुराने समय में डिलीवरी इसलिए आसानी से हो जाती थी क्योंकि उस समय महिलाएं ज्यादा शारीरिक रूप से एक्टिव रहती थी। घर के कामकाज करने, पैदल चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों के कारण उनके पेल्विक एरिया की मांसपेशियां लचीली होती थी। ज्यादा शारीरिक एक्टिविटीज के कारण बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता था और डिलीवरी में आसानी होती थी, लेकिन आजकल वैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कीगल एक्सरसाइज, स्क्वैट, बटरफ्लाई, योगासन करना चाहिए। इन सभी एक्सरसाइज से वही बेनिफिट मिलते हैं जो पुराने समय में घर के कामकाज करने के दौरान मिलते थे। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सब एक्सरसाइज करना नहीं जानती तो आप घर पर ही कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जिससे कि आपको भरपूर फायदे हों। और अगर आप चाहती हैं कि समय पर बच्चेदानी का मुंह खुले, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं और आसानी से डिलीवरी हो सके, इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से ज्यादा वही काम करने हैं जिससे कि सर्विक्स पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़े और बच्चेदानी का मुंह खुलने में मदद मिल सके। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 9वें महीने में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला है तेज कदमों से चहलकदमी करना। दोस्तों वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वॉकिंग करना, पैदल चलना, सुबह शाम की सैर करना फायदेमंद है, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप वॉक पर जाती हैं या फिर सैर करती हैं तो आपको तेज कदमों से चलना है, यानी कि आपको सावधानी पूर्वक तेज कदमों से चहलकदमी करनी है। और जब आप तेज कदमों से चलती हैं इससे बच्चे को नीचे खिसकने में हेल्प मिलती है, और अगर बच्चा नीचे की ओर आएगा तो उसके वजन का दबाव आपकी सर्विक्स यानी कि पेल्विक एरिया पर पड़ेगा जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा तेज कदमों से चहलकदमी करने से आपके पेल्विक मसल्स मजबूत बनेंगे और जो आपके पेल्विक एरिया की जो हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल यानी लचीली बनेंगी जिससे कि डिलीवरी कम दर्द के, कम समय में और आसानी से होगी। सीढ़ियां चढ़ना। आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से सावधानी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देनी है। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हल्का सा आगे की ओर झुककर अपना पैर ऊपर उठाकर सीढ़ियां चढ़ें। सीढ़ियां चढ़ने के लिए जब आप अपना पैर ऊपर उठाएंगे तो इससे एक तो गर्भाशय पर प्रेशर पड़ेगा, दूसरा बच्चे के वजन का दबाव आपके बच्चेदानी के मुंह पर पड़ेगा जिससे कि सर्विक्स को जल्दी से जल्दी ओपन होने में मदद मिलेगी, दूसरा इससे आपके पेल्विक मसल्स भी मजबूत होंगे। ऐसे में ध्यान रखें अगर आप अकेली सीढ़ियां चढ़ने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही तो आप अपनी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकती हैं या फिर अपने पति का हाथ पकड़कर सावधानी पूर्वक सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। उखरू पोजीशन में झाड़ू पोछा करना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिला हल्के फुल्के काम कर सकती है। इस दौरान उखड़ू पोजीशन यानी पैरों के भार बैठकर झाड़ू पोछा लगाना फायदेमंद होता है। इस दौरान आपको पैरों के भार बैठकर पोछा लगाने में मुश्किल हो रही है तो आप हल्का सा आगे की ओर झुककर झाड़ू पोछा लगा सकती है, क्योंकि इससे गर्भाशय पर दबाव पड़ेगा, बच्चे को नीचे आने में मदद मिलेगी और बच्चे का वजन ज्यादा से ज्यादा बच्चेदानी के मुंह पर पड़ेगा जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाएगा। अगर आप ये काम कर सकती हैं तो ही ये आप काम करिए, वरना इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। और अगर आपको उखड़ू पोजिशन में झाड़ू पोछा करने में मुश्किल आ रही है तो ऐसे में आप किसी कुर्सी, टेबल या फैमिली मेंबर की हेल्प से 2 या 3 मिनट के लिए उखड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं और फिर आप खड़ी हो जाएं। ऐसे में फिर 2-3 मिनट के लिए आप उखड़ू पोजीशन में बैठें और फिर खड़ी हो जाएं, तो ऐसा आप जितनी बार भी कंफर्टेबली कर सकती हैं कीजिए। इससे आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो उखड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करने से होते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रॉपर आराम करने के साथ साथ अगर आप घर के हल्के फुल्के कामकाज करती हैं तो आपके शरीर जो है एक्टिव बना रहता है जिससे आगे चलकर डिलीवरी में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों आपको हर काम सावधानी से करना है और दूसरा आपको कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना। अगर कोई भी काम करते समय आपको थकावट हो जाती है तो आपको वही काम उसी समय रोक देना है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही
एक्टिव रहना है, आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही काम करना है, अपने शरीर को थकाना नहीं है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती हैं, साथ ही साथ अपने बच्चेदानी का मुंह आसानी से खोल सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।